एक वक्त था जब शहर का समय घंटा घर तय करते थे। पूरा शहर इन्हीं के बताए समय पर अपनी दिनचर्या निर्धारित करता था। आम व खास घड़ियाल की घनघनाहट पर हर कोई यकायक ही सतर्क हो उठता था और दिन भर के किए जाने वाले कामों को मन में दोहराने लगता था। कोई किसी भी काम में मशरूफ हो, घंटाघर से अचानक आती आवाज़ हर किसी को चौंका ही दिया करती थी। ये घंटाघर न सिर्फ समय बताते थे बल्कि अपनी वास्तुकला के सौंदर्य के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थे। समय बदला, जीवन की गति बदली और ये घंटाघर धीरे धीरे नैपथ्य में चले गए। आज कोई अपनी घड़ी इन घंटाघरों से नहीं मिलाता, लेकिन अपने आप में लखनऊ का इतिहास समेटे ये आज भी उसी तरह खड़े हैं जैसे नीचे से गुजरते शहर को बदलते हुए देख रहे हैं। समय की इन इमारतों ने खुद समय की मार झेली है, लेकिन हार नहीं मानी। वे आज भी अपनी जगह खड़े हैं, अपनी जगह डटे हैं, अपनी जगह मुस्तैद हैं। शहर का एक खूबसूरत घंटाघर, एक खूबसूरत इमारत जो देश के सबसे बड़े घंटाघरों में शुमार है। मैं हूं आपका अपना एमपी सिंह, आपके चैनल लखनऊ अदनफन पर आपके साथ, आपके लिए लेकर आया हूं एक नई जानकारी, एक नया व्यू और ऐसा नया पर्यटक स्थल, नई इमारत जो कि लखनऊ के इतिहास में दर्ज है। जी मित्रों, मैं खड़ा हूं लखनऊ के घंटाघर पे, जिसे हम हुसैनाबाद घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। यह स्थित है लखनऊ के चौक एरिए में, जो कि इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के बिल्कुल बगल में है। बताते हैं कि 1887 में निर्मित यह घंटाघर ब्रिटिश वास्तुकला में सबसे बेहतर नमूना माना जा सकता है। आज हम उसी घंटाघर के नीचे खड़े हैं, आपको दिखाना चाहेंगे इसका एक व्यू। अगर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश, आप दिखाइए प्लीज़ घंटाघर दिखाइए। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की नगरी कहे जाने वाले लखनऊ शहर में यूँ तो तमाम सारी नायाब इमारतें हैं जो किसी को भी आश्चर्य और कौतूहल में भर सकती हैं। हालांकि भूल भुलैया, इमामबाड़ा और तमाम सारे ऐसे ढेर तालाबों के लिए दुनिया भर में मशहूर इस शहर के घंटाघर की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को शायद ही कम पता होगा। पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में स्थित यह घंटाघर देश के सबसे ऊंचे घंटाघरों में शुमार है, जिसकी ऊंचाई 221 फीट है। इसे देखने वाले आश्चर्य से भर जाते हैं कि आखिर 125 साल पहले संसाधनों की इतनी कमी में, इतने अभाव में इतनी ऊंची इमारत को भला कैसे बनाया गया होगा। मित्रों, इतिहासकार बताते हैं इस घंटाघर को ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना कहा जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कपूर के सम्मान में 1882 में करवाया गया था, जो कि लगभग 5 साल तक चला और 1887 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ईंटों और चूने से बनाई गई इस नायाब इमारत को अभियंता फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस के देखरेख में बनाया गया था। 221 फीट ऊंचे इस घंटाघर के निर्माण पर उस समय 90,000 रुपए खर्च किए गए थे। यह राशि हुसैनाबाद ट्रस्ट ने दी थी। मित्रों, शायद आपको नहीं पता होगा कि जो घड़ी इसमें लगी हुई है, इसका निर्माण ब्रिटेन की JW बेंसन कंपनी ने किया था और दुनिया में इस तरह की महज 3 घड़ियां थीं। आज भी यह देश की सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है। 6 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी इस घड़ी या मशीन का एक एक गियर 50-50 किलो का है और इसे ब्रास और गन मेटल से बनाया गया है। इस वक्त इस घड़े की कीमत 27,000 रुपये थी जब इस घंटाघर का निर्माण किया गया था। घड़ी में 5 घंटे लगे हैं। मित्रों, 100 साल तक निरंतर चलने के बाद 1984 में इस घड़ी की सांसें थम गई थी। इस घड़ी को चलाने के लिए तमाम सारी कोशिशें हुई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सफलता 2013 में मिली। लगभग 18 लाख रुपए खर्च कर लखनऊ के एक इंजीनियर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घड़ी को सही करने का बीड़ा उठाया। यह कार्य यूं तो बहुत मुश्किल था, घड़ी के पुर्जे चोरी हो गए थे। इंजीनियर ने घड़ी से
सभी पुर्जे लखनऊ में ही पुनः बनवाए और फिर से चालू किया इस ऐतिहासिक घड़ी को जो लगी है इस शानदार इमारत में, इस ऊंचे घंटाघर में जो है देश का सबसे ऊंचा घंटाघर। मित्रों बताते हैं कि इस घड़ी में चाबी भरने के लिए दो लोग लगते हैं जो हर सप्ताह इसके ऊपर चढ़ते हैं। इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है और ऊपर तक सीढ़ियां गई हैं। दो लोग चढ़ करके इस घड़ी की सुइयां ठीक करते हैं और चाबी भरते हैं ताकि शहर को दौड़ते भागते इस लखनऊ शहर को ठीक समय घंटाघर बेरोक टोक देता रहे। इस चलते फिरते शहर को एक चलती फिरती घड़ी के माध्यम से सही टाइम मिलता रहे। ये बात उस दौर की है जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, जब लोगों के पास समय देखने का कोई माध्यम नहीं होता था, तभी ये घंटाघर उनका समय तय करते थे। यहाँ तक कि मस्जिदों से आने वाली अजानें भी इन्हीं घंटाघरों की बजने वाले घंटे से तय होती थी और तमाम सारे लोग अपने अपने काम पर भी तभी जाते थे जब इन घंटाघरों से उन्हें वक्त के होने का पता चलता था। पूरे देश और दुनिया के लोगों को आमंत्रित करता लखनऊ शहर का ये सबसे ऊंचा घंटाघर। यहाँ पहुँचने के रास्ते क्या हैं जी मित्रों, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप चारबाग से आते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कैसरबाग। चारबाग से कैसरबाग के लिए ऑटो टेम्पो बड़े आराम से मिलते हैं और अभी तो सिटी बस भी चल रही हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। कैसरबाग से आप इमामबाड़ा के लिए आएंगे जहाँ से आपको बड़ी आराम से टेम्पो ऑटो मिल जाएंगे और इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों के ही बीच में स्थित है यह खूबसूरत सा घंटाघर जो है अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, जो है देश का सबसे बड़ा घंटाघर। और आप यहाँ आकर के आराम से इसके दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं। बदलते वक्त में सब चीज़ें बदल गईं लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है वक्त और इस घंटाघर का वक्त। अक्सर आपने देखा होगा कि घंटाघरों पर लगी घड़ियाँ सही समय नहीं देती हैं, लेकिन देश का सबसे ऊंचा घंटाघर जो स्थित है लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट के नज़दीक, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में, उस घंटाघर की सुइयां आज भी आमो खास को सही समय सही वक्त बताती हैं। घंटाघर के ठीक बगल में बना है एक खूबसूरत तालाब, बहुत विशाल तालाब बना हुआ है जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत और सुंदर है, जिसको देख करके हर किसी के अंदर फोटो खींचने की, सेल्फी लेने की इच्छा प्रकट होती है। हर कोई चाहता है कि हम यहाँ आकर के सेल्फी लें और लोग आकर के सेल्फियाँ लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और सैर सपाटा करते हैं इसी घंटाघर के नज़दीक बने हुए इस तालाब के पास। मित्रों आप कहीं से भी हों, देश दुनिया के लोग, पर्यटक, विदेशी, भारत के लोग, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोग सभी इस घंटाघर तक आते हैं और मनोरंजन करते हैं, देखते हैं, दीदार करते हैं इस खूबसूरत सी ऐतिहासिक इमारत का जो बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय जब हम ब्रिटानिया हुकूमत के गुलाम थे। जी मित्रों यह घंटाघर बहुत ही खूबसूरत है, आकर्षित करने वाला है। आप सभी लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो चारबाग से कैसरबाग, कैसरबाग से सीतापुर रोड पर जाने वाले टेम्पो आपको यहाँ पर आके छोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हैं, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा और भी कई सारी चीज़ें, रूमी दरवाज़ा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप घूम सकते हैं यहाँ के लजीज खानों का और यहाँ की नफासत और नज़ाकत का लाभ ले सकते हैं। हमारे लखनऊ दंत फंत चैनल की एक कोशिश थी कि हम आपको दिखाएं लखनऊ की अद्भुत इमारतों में से एक जो कि यहाँ की क्लॉक टावर के नाम से, हुसैनाबाद क्लॉक टावर के नाम से मशहूर है, जिसके चारों तरफ है एक सुंदर सा तालाब। तालाब जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, जहाँ से व्यू ले रहा हूँ टावर का, अब तालाब की तरफ देखिए कितना अच्छा तालाब बना हुआ है, इसमें जल भी है और बहुत सुंदर तालाब है। थोड़ा मैं उसी से कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी इमारतें, इतनी अच्छी जगह हैं, थोड़ा सा रख रखाव की और देखभाल की कमी है जिसके चलते यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी एक विदेशी मेहमान आई जो कि जर्मनी से थी, मिस सिल्विया, और उनका हम लोगों ने छोटा मोटा इंटरव्यू भी किया तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि आई लव इंडिया, आई लव इंडियन,
और भारत से उनको बहुत मोहब्बत है। लेकिन मित्रों, अगर हम अपनी सड़कों पर, अगर हम अपनी इमारतों में इस तरीके के संरक्षित और स्मारकों पे कूड़ा करकट फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, तो सोचिए जो मेहमान हमारे बीच में विदेश से आते हैं वो क्या सबक लेके जाएंगे, क्या सीख लेके जाएंगे और क्या मैसेज लेकर के जाएंगे कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में, भारत में कैसे लोग रहते हैं और कैसे गंदगी करते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है स्वच्छ भारत का निर्माण करें और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। थैंक यू, नमस्कार।